Flow chart of chapter polynomials for class 10. This is a flow chart, the whole summary of the chapter. जो जो चीजें पढ़नी है आपको class 10 के इस chapter में, तो ये आपको इसमें सब कुछ summary दी हुई है. देखिए, सबसे पहले definition of polynomials. तो what are polynomials? An algebraic expression of the form a naught x raised to power n plus a 1 x raised to power n minus 1 and so on up to a n. Where a1, a2, ar are the real numbers, n is a non-negative integer. देखिए ये expression है, a naught, a1, a2, a3 are the coefficient of the x, okay, different powers of x. n non-negative integer means the positive power. The power of variable is positive number. The degree, the highest power of the polynomial is called degree of the polynomial. Highest power जानी जाती है degree of the polynomial. अब यहाँ देखिए polynomials क्या होते हैं. Simple language में जैसे हम लोग लिख सकते हैं 3x cube plus 4x square plus x plus 1. ये polynomial है. तो polynomials बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर क्या है, power क्या होनी चाहिए, positive होनी चाहिए और ये जो है वो real number होने चाहिए, यानी coefficient. और मैंने यहां पर बताया आपको a नॉट x raised to power n, इस मतलब ये हाईएस्ट पावर हो गई n और a नॉट क्या है इसका कोफिशियंट. तो यहां पर कोफिशियंट क्या कहलाएगा आपका 3. ओके और डिग्री हो गई इसकी, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3, तो डिग्री इक्वल टू 3. ओके डिग्री 3. आगे आता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स. देखिए यहाँ फ्लो चार्ट में आएगा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक, ये चार तरीके के यहाँ पॉलिनोमियल्स बताए जाएंगे. तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल मींस डिग्री 0. अभी मैं एग्जांपल देती हूँ. लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री 3 एंड बाई क्वाड्रेटिक 4. देखिए एग्जाम्पल देखिए अब इसका. कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल में सपोज 5, दिस इज ए कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, 1 माइनस 100 कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल. यहां पर डिग्री 0 है. क्यों डिग्री 0 है? कि सब में x रेस्ट पावर हम लोग 0 लगा सकते हैं और x रेस्ट पावर 0 क्या होता है? 1. तो x रेस्ट पावर 0 हम लोग यहां ऐड कर दें, 5 इंटू x रेस्ट पावर 0, वैल्यू तो 5 ही रहेगी लेकिन डिग्री क्या हो जाएगी? 0. इसी तरह लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1, यानी लीनियर x प्लस 1, दिस इज ए लीनियर पॉलिनोमियल बिकॉज डिग्री इज 1. एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, दिस इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बिकॉज डिग्री इक्वल टू 2. एंड क्यूबिक, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1, दिस इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल. एंड बाई क्वाड्रेटिक पावर 4, हाईएस्ट डिग्री 4, बशर्ते यही. यानी हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज 4, दिस इज ए बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. नेक्स्ट टॉपिक आता है डिवीजन एल्गोरिथम. इफ पी एक्स एंड जी एक्स आर एनी टू पॉलिनोमियल्स विथ जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, देन पी एक्स इक्वल टू क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स. इफ आर एक्स इक्वल टू 0, इट या डिग्री ऑफ रिमाइंडर, अभी बताते हैं इसको. डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स. नेक्स्ट है इफ आर एक्स इक्वल टू 0, देन जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स. देखिए इसको एक्सप्लेन करते हैं. Px means any polynomial. जैसे हम लोग पढ़ते थे डिवाइडेड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चेंट प्लस रिमाइंडर. यही चीज इसमें दी हुई है इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स. डिवाइडेड यानी पॉलिनोमियल px, डिवाइजर gx, क्वेश्चेंट qx एंड रिमाइंडर rx. x means ए पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x. अब x रेस टू पावर x स्क्वायर माइनस 1, इफ जी एक्स, इफ वी डिवाइड बाय x प्लस 1, तो वी गेट क्वेश्चन इज x माइनस 1 एंड रिमाइंडर इज 0. तो कहता है कि रिमाइंडर की जो डिग्री होगी वो हमेशा जी एक्स से कम होगी, या तो रिमाइंडर 0 के बराबर होगा या जो भी बचेगा रिमाइंडर वहां डिग्री जी एक्स से कम होगी. अगर हम x स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर में x माइनस 1 आ सकता है, 0 आ सकता है,
डिग्री हमेशा अगर टू है तो यहाँ पर डिग्री वन में रिमाइंडर आ सकता है, ठीक है। तो रिमाइंडर जीरो, अगर रिमाइंडर जीरो है इट मीन्स दिस इज ए फैक्टर, जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। अगर जी एक्स से अगर पूरा डिवाइड हो गया पी एक्स, इट मीन्स जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट टॉपिक। इसके बाद आता है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बेसिकली हम इस चैप्टर में क्यूबिक एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे, क्यूबिक और क्वाड्रेटिक। तो पहले क्वाड्रेटिक के लिए, फॉर द पॉलिनोमियल पी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज नोन एज द डिस्क्रिमिनेंट डी वेयर डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। यहां पर ए बी सी क्या है, ए इज द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी कोफिशियंट ऑफ एक्स एंड सी इज कॉन्स्टेंट। अगर यहां से हम लोग एक वैल्यू निकालें बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इट इज इक्वल टू द डिस्क्रिमिनेंट डी। अब इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, इफ डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो, यानी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी सॉल्व करने पर जीरो आ रहा है, जिसका मतलब क्या होगा, द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल will intersect at x-axis at two distinct points. It means px has real zeros. अब इसका example देके बताएंगे। अगर discriminant positive आ गया, greater than zero means positive. तो इसका मतलब जो graph बनेगा quadratic polynomial का, वो दो different points पर cut करेगा x-axis को, ठीक है? यानी इसके real zeros होंगे। quadratic है तो दो ही होंगे। हाइएस्ट पावर टू होती है क्वाड्रेटिक की, तो जीरोस कितने निकलेंगे, टू, तो दोनों ही रियल होंगे। इफ डी इक्वल टू जीरो, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो आ गई, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो आ गया, तो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल टच द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली एट वन पॉइंट। सिर्फ एक ही पॉइंट पर वो ग्राफ उसको टच करेगा, क्योंकि दोनों जीरोज इक्वल होंगे। पी एक्स विल हैव ओनली वन जीरो और द टू इक्वल जीरोज, उसके दोनों इक्वल जीरोस होंगे। इफ थर्ड पॉइंट है, इफ डी इज लेस देन जीरो, यानी नेगेटिव वैल्यू आ गई, तो ग्राफ ऑफ पी एक्स विल नाइदर टच नॉर इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, ना टच करेगा ना इंटरसेक्ट करेगा, इट मीन्स पी एक्स विल नॉट हैव एनी रियल जीरो। यानी इसके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो जीरोज निकलते हैं तो वो दोनों ही इमेजिनरी वैल्यूज आएंगे। देखिए एक एग्जाम्पल देते हैं, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टू। अब देखिए इसमें हमको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। सबसे पहले ए बी सी फाइंड करेंगे, ए यहां पर क्या हो गया वन, बी हो गया फोर और सी हो गया टू। कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए, कोफिशियंट ऑफ एक्स बी एंड कॉन्स्टेंट। नाउ फाइंड डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर यानी फोर स्क्वायर माइनस फोर ए सी, फोर इंटू वन इंटू टू, ए इंटू सी, फोर इंटू ए सी, सिक्सटीन माइनस एट, इट इज इक्वल टू एट, यानी डी इज ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन है, तो इसके रूट्स क्या होंगे, रियल, ठीक है। और सेकेंड एग्जाम्पल देती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, अगर ऐसा एक हमारा पॉलिनोमियल है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, बी यहां पर क्या है टू, माइनस फोर ए सी, फोर इंटू वन इंटू वन, क्योंकि ए भी वन है और सी वन है, तो फोर माइनस फोर इक्वल टू जीरो, इट मीन्स डी इक्वल टू जीरो, रियल एंड इक्वल रूट्स, इसके दो होंगे और वो इक्वल रूट्स होंगे। और थर्ड पार्ट आता है कि एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर, देखिए यहाँ डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे हम लोग, तो डी आएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, फोर इंटू वन इंटू फोर, फोर माइनस सिक्सटीन यानी माइनस ट्वेल्व, डी इज लेस देन जीरो, इट मीन्स नो रियल रूट्स। ओके, नो रियल रूट्स, तो ये पॉइंट यहाँ पर खत्म हो गया। अब इसके बाद हम बताएंगे द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशियंट ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज क्या है, अल्फा बीटा है, और कोफिशियंट है ए बी सी। इफ पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अल्फा बीटा आर द रूट्स, देन एक्स स्क्वायर
माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। हम इस पॉलिनोमियल को कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। और इन दोनों इक्वेशन, दोनों सेम है, दोनों पॉलिनोमियल सेम है, इनमें रिलेशन क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा, अगर सम ऑफ द जीरोस करेंगे ये आ जाएगा माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट करेंगे अल्फा बीटा, यहाँ क्या दिख रहा है सी बाई ए, क्योंकि ए से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तभी ना कोफिशियंट सेम आएंगे, तो अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए। और सेम क्यूबिक में होता है, अगर अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल पी एक्स ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, या माइनस देन प्लस प्रोडक्ट ऑफ टूज अल्फा बीटा दो का इंटू प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स, एंड लास्ट में माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यहाँ दो ही थे अल्फा बीटा थे, यहाँ पर तीन है। तो अब यहाँ पर क्या रिलेशन आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आएगा माइनस बी बाई ए, इससे कंपेयर इसको कर रहे हैं माइनस बी बाई ए। सेकेंड अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई ए, एंड अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए। अगर हम लोग किसी इक्वेशन के लिए इसमें हमको वेरीफाई करने हैं रिलेशंस, ओके। अब आएगा इसका नेक्स्ट पार्ट, ये पार्ट आ गया। अब यहाँ पर देखिए जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, अब जीरोस क्या है, ए इज सेड टू बी द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल ऑफ पी एक्स इफ पी ए इक्वल टू जीरो। जीरोस का मतलब होता है ऐसी वैल्यू जिसको डाल के पूरा पॉलिनोमियल की वैल्यू इक्वल टू जीरो, ठीक है। ज्योमेट्रिकली द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल आर एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। जितनी जिस पॉइंट पर x एक्सिस को ग्राफ कट करता है वही उसके जीरोस होते हैं, है ना, x की जो वैल्यू आती है वही उसके जीरोस कहलाते हैं। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n कैन हैव एटमोस्ट n जीरोस, अगर उसकी डिग्री जितनी है हाईएस्ट पावर है उतने ही मैक्सिमम जीरोस हो सकते हैं, उससे कम हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकते। जैसे क्यूबिक है तो थ्री ही हो सकते हैं मैक्सिमम, क्वाड्रेटिक है तो दो, और बाई क्वाड्रेटिक फोर। जीरो में भी है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो किसी का पॉलिनोमियल हो, जीरो हो सकता है, ठीक है, यानी एक्स इक्वल टू जीरो आ सकता है। ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो, अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल से थ्री फाइव सेवन नाइन तो उसका तो कोई जीरो होगा नहीं, वो तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, उसकी तो कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे नहीं, तो नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो, ठीक है। अब आएगा ग्राफ, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, एमसीक्यू पूछा जाता है ग्राफ। ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इफ पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, यानी ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ए एक्स प्लस बी लीनियर पॉलिनोमियल, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सेकंड, इफ पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसका ग्राफ बनेगा पैराबोला ओपन्स अपवर्ड, देखिए इस शेप में आएगा इसका ग्राफ। If a is greater than zero, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर a पॉजिटिव है तो ग्राफ बनेगा पैराबोला ओपन्स अपवर्ड। If px equal to ax square plus bx equal to c, ये भी क्वाड्रेटिक ही है, पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड इफ a is less than zero, यानी यहाँ पर माइनस का साइन रहेगा तो पैराबोला डाउनवर्ड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, if px of degree n crosses the x axis एटमोस्ट n पॉइंट्स, ये मैंने अभी बताया जितनी डिग्री होगी उतनी ही बार x एक्सिस को ग्राफ कट करेगा, क्यूबिक है तो तीन बार, है ना, क्वाड्रेटिक है तो दो बार। तो यही इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूरे चैप्टर में बनाने हैं, दिस इज ए सिंपल फ्लो चार्ट ऑफ द चैप्टर पॉलिनोमियल, ओके, थैंक यू।